अब हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरिया। एसेंशियल कंपोनेंट के अंदर सबसे पहला जो कंपोनेंट है सेल वॉल। सेल वॉल की जो कंपोजिशन है वो होते हैं पेप्टिडोग्लाइकन, और पेप्टिडोग्लाइकन बना होता है दो चीजों से, पेप्टिडोग्लाइकन ये बना होता है दो चीजों से, जिसको आप निमोनिक के तौर पर याद कर सकते हैं, नाग और नाम से। नाम से नाग से क्या बनता है भला, एन एसिटाइल ग्लूकोज, ग्लूकोज अमाइन, और नाम से बनता है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। म्यूरेमिक एसिड ये दोनों जो है कंपोनेंट है पेप्टिडोग्लाइकन के, और यही बैकबोन होते हैं बैक्टीरिया के। फिर इसके बेस पे हम फर्दर बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं, जिसमें आते हैं हमारा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है उसके पास थिकोइक एसिड होती है मैक्सिमम अमाउंट में, जबकि ग्राम नेगेटिव के पास थिकोइक एसिड नहीं होती। उसके साथ साथ ग्राम पॉजिटिव के साथ जो हमारा ये पेप्टिडोग्लाइकन है ये होता है 90% हाईली रिच एंड थिक लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकन की इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जबकि ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उसके पास 10-20% पेप्टिडोग्लाइकन होता है और बहुत थिन लेयर होती है उसके पास, सही है। फिर जो हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके पास लो अमाउंट में होती है जो हमारा फॉस्फोलिपिड्स है और साथ में लिपोपोलीसेक्राइड्स या फिर लिपोप्रोटीन जो है वो बहुत लो अमाउंट में होती है। जो हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है रिच अमाउंट में होती है इसके पास जो लिपोपोलीसेक्राइड्स है जिसको एंडोटॉक्सिन भी कहते हैं, लिपोप्रोटीन और उसके साथ साथ फॉस्फोलिपिड्स रिच अमाउंट में होती है। इसके अलावा जो एसेंशियल कंपोनेंट में आते हैं सेकंड नंबर पे वो होते हैं सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया के पास एसेंशियल जो है कंपोनेंट में सेकंड सेल मेम्ब्रेन। सो वन बाय वन अगर हम लिखे यहाँ पे सेल वॉल पहले एसेंशियल, देन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, थर्ड न्यूक्लियॉइड, न्यूक्लियॉइड, फोर जो है हमारा पेरीप्लाज्म। व्हाट इज पेरीप्लाज्म? जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान जो स्पेस है उसको पेरीप्लाज्म कहते हैं, और पेरीप्लाज्म जो है ये इम्पोर्टेंट जो है स्पेस होती है, यहाँ पे आके बीटा लैक्टामेज एंजाइम होते हैं जो हमारे ड्रग्स को जैसे पेंसिलिन है, सिफालोस्पोरिन है, उसको डिस्ट्रॉय करती है। सो ये वो पार्ट है पेरीप्लाज्म। इसके अलावा और जो है मीजोप्लाज्म भी इसके अंदर ही होते हैं, मीजोजोम, और उसके अलावा राइबोसोम, ये भी एसेंशियल कंपोनेंट में आते हैं। फाइव शुड बी मीजोजोम, मीजोजोम ये इन्वेजिनेशन होती है सेल मेम्ब्रेन की, और साथ में राइबोसोम, ये है सारे एसेंशियल एसेंशियल कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरिया। अभी हम बात करेंगे नॉन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरिया, वो वाले कंपोनेंट जो कि बैक्टीरिया के पास नॉन एसेंशियल है, उसमें आते हैं कैप्सूल और साथ में पिलाए, फ्लैजिलम, स्पोर, प्लाज्मिड, ग्रेनुल्स और ग्लाइकोकैलिक्स। सो हम वन बाय वन यहां लिख सकते हैं नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल कंपोनेंट। उसमें सबसे पहले आते हैं हमारे पास प्लाज्मिड, प्लाज्मिड, कैप्सूल, थर्ड पिलाए, फ्लैजिला और उसके साथ साथ हमारे पास ग्रेनुल्स और ग्लाइकोकैलिक्स, ये होते हैं नॉन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरिया। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल ये हमारे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियॉइड, पेरिप्लाज्म और मीजोसोम, राइबोसोम, ऑल दीज थिंग्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द बैक्टीरिया।
एंड पेप्टिडिक ग्लाइकन ये बोन होती है, बैक बोन सेल वॉल की जब हम बात करते हैं तो पेप्टिडिक ग्लाइकन बैक बोन होती है बैक्टीरियल सेल वॉल के। उसमें से जो पेप्टिडिक ग्लाइकन की कंपोजिशन है ये बना होता है दो पार्टिकल से, नाग और नाम। नाग मीन नॉन एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, नाम एन एसिटाइल यूरेमिक एसिड, इससे बना होता है पेप्टिडिक ग्लाइकन। देन नॉन एसेंशियल के अंदर प्लाज्मेट, कैप्सूल, पिलाए, फ्लैजिला, ग्रेनुल्स और ग्लाइकोकैलिक्स।